आपका स्वागत है जीत आपकी किताब के चैप्टर 8 के सेकंड पार्ट में। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 1 पॉइंट से लेकर 17 पॉइंट कवर किए थे, वो वाले पॉइंट जिससे हम अच्छी शख्सियत बना सकते हैं, और इसके आगे के सभी तरीके इस वीडियो में हैं। अगर आप पहला पार्ट देखना चूक गए हैं, भूल गए हैं, तो आपको ऊपर आई बटन पे वो दिख जाएगा। सुनते हैं पार्ट 2। 18वां कदम, सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने। स्टेप 18, प्रैक्टिस ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड सिंसेरिटी। ईमानदारी का मतलब नकली और झूठा बनने से बचना और सच्चा एवं असली बनना है। अपनी पहचान भरोसेमंद आदमी के रूप में बनाइए। अगर घर, दफ्तर और समाज में रिश्तों को बनाने वाली कोई चीज़ है तो वो है सच्चाई। अपना वचन ना निभाना बेईमानी है। ईमानदारी से खुलापन, विश्वसनीयता और साफ बोलने की प्रेरणा आती है। ये अपने और दूसरों के प्रति सम्मान दर्शाती है। ईमानदारी का मतलब ईमानदार होना है, ना कि ईमानदार दिखना। झूठ की रफ्तार भले ही तेज हो, मगर सच टिकाऊ होता है। ईमानदार कंपनी के टाइटल या ब्रोशर में नहीं, बल्कि लोगों के चरित्र में पाई जाती है। क्या अपनी ईमानदारी से समझौता करना और जीतने या आगे बढ़ने के लिए जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्ते चुनना उचित है? बेईमानी से जीती हुई ट्रॉफी हासिल करने क्या कोई इंसान वास्तव में खुश रह सकता है? ट्रॉफी जीतने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छा इंसान बनना। एक शेर मक्खन, अ पाउंड ऑफ बटर। एक किसान एक बेकर को रोज़ एक शेर मक्खन बेचा करता था। एक दिन बेकर ने ये परखने के लिए मक्खन एक शेर है या नहीं उसे तोला और पाया कि मक्खन कम था। इस बात से वो गुस्सा हो गया और किसान को अदालत में ले गया। जज ने किसान से पूछा कि उसने तोलने के लिए किस बाट का इस्तेमाल किया था। किसान ने जवाब दिया, हुजूर, मैं अज्ञानी हूँ, मेरे पास तोलने के लिए कोई सही बाट नहीं है, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। जज ने पूछा, तो तुम मक्खन को कैसे तोलते हो? किसान ने जवाब दिया, इसने मक्खन तो मुझसे अब खरीदना शुरू किया है, मैं तो बहुत पहले से इससे एक शेर ब्रेड खरीद रहा हूँ। रोज़ सुबह जब बेकर ब्रेड लाता है तो मैं ब्रेड को बाट बनाकर बराबर का मक्खन तोल कर दे देता हूँ। अगर इसमें किसी का दोष है तो वो है बेकर का। ज़िंदगी में हमें वही वापस मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। हम जब भी कोई काम करें तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मुझे जो पैसा मिलता है मैं उसके बराबर की मेहनत कर भी रहा हूँ या नहीं। ईमानदारी और बेईमानी एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बेईमानी की प्रैक्टिस करते हैं और चेहरे पर जरा सी भी शिकन लाए बिना बड़ी आसानी से झूठ बोल सकते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इतना झूठ बोलते हैं कि सच क्या है ये भी भूल जाते हैं, मगर वह किसे धोखा दे रहे हैं? किसी और को नहीं, बल्कि खुद को। ईमानदारी तहजीब से पेश की जा सकती है। कुछ लोग निर्दयी ढंग से ईमानदार होने पर गर्व महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ईमानदारी की बजाय उस निर्दयता से आनंद मिलता है। ईमानदारी बरतने में शब्दों के चुनाव और व्यवहार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सच्चाई हमेशा आपके पसंद की नहीं होती। ट्रुथ मे नॉट ऑलवेज बी व्हाट यू वॉन्ट टू हियर। सच कठोर हुए बिना भी बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा कर पाना हमेशा संभव नहीं होता। एक ईमानदार दोस्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो सच्चा हो। कुछ लोग कड़वे सच से बचने के लिए ऐसे चापलूस दोस्तों का चुनाव करते हैं जो उनकी पसंद की बातें करते हैं। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उसके दोस्त सच्चे नहीं हैं, फिर भी खुद को धोखा देते हैं। सच्ची आलोचना तकलीफ देह हो सकती है। अगर हमारा परिचय बहुत सारे लोगों से हो मगर दोस्त बहुत ही कम हो, तो रुक कर अपने रिश्तों को गहराई से परखें। ईमानदारी की कमी को चतुराई, जनसंपर्क और राजनीति का नाम दे दिया जाता है। क्या असलियत ऐसी ही है? झूठ बोलने के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आदमी को अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं। ईमानदारी के लिए दृढ़ता और वचनबद्धता की ज़रूरत होती है। ज़रा सोचिए कि हम लोग इन बातों के दोषी कितनी बार रहे हैं। छोटे छोटे सफ़ेद झूठ, चापलूसी, सच्चाई छिपाना या आधा सच बोलना, चुप रहकर सबसे बड़ा झूठ बोलना। खुद को एक ईमानदार इंसान बनाएं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि दुनिया में धूर्त आदमी कम हो गया। ये शब्द है थॉमस कार्लाइल के। विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी,
उस चरवाहे लड़के की कहानी हम सभी जानते हैं जो भेड़ी आया चिल्लाता था। उस लड़के ने गांव वालों को परेशान करके मज़ा लेने की सोची और वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ भेड़िया आया। गांव वालों ने उसकी आवाज़ सुनी और उसे बचाने दौड़ गए। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भेड़िया नहीं था और वो बच्चा उन पर हंसने लगा। वे सब चले गए। अगले दिन उस लड़के ने फिर वही चाल खेली। गांव वाले फिर मदद करने के लिए दौड़े। एक दिन वो लड़का जब भेड़ों को चरा रहा था तो उसने सचमुच एक भेड़िया देखा और मदद के लिए चिल्लाया। गांव वाले ने उस लड़के पर कोई विश्वास नहीं किया क्योंकि वो उसकी आवाज़ को पहचानते थे। उन्होंने सोचा कि लड़का फिर वही चाल चल रहा है। उन लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। नतीजे के तौर पर उसकी भेड़ें खाई गईं और उसका नुकसान हो गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो अपनी विश्वसनीयता को खो देते हैं। एक बार जब वे अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं तो सच बोलने पर भी कोई उन पर विश्वास नहीं करता। एक अच्छे चरित्र का गुण है ईमानदारी। द क्वालिटी ऑफ अ गुड कैरेक्टर इज ऑनेस्टी। इन दो तरीकों से सच गलत ढंग से पेश किया जा सकता है। अधूरा सच बोलकर या अधूरी जानकारी देकर, सच को बड़ा चढ़ाकर बोलकर। अधूरे और गलत ढंग से पेश किए गए सच से बचे। बिवेयर ऑफ हाफ ट्रुथ और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ। एक नाविक 3 साल से एक ही जहाज पर काम कर रहा था। एक रात वो नशे में धुत हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था। कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में इस तरह दर्ज किया, नाविक आज रात नशे में धुत था। नाविक ने यह बात पढ़ ली। वह जानता था कि इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पर असर पड़ सकता है, इसलिए वो कैप्टन के पास गया, माफ़ी मांगी और कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी लिखा है उसमें यह भी जोड़ दे कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि पूरी सच्चाई यही है। कैप्टन ने मना कर दिया और कहा, मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया है वही असली सच है। अगले दिन रजिस्टर भरने की बारी नाविक की थी। उसने लिखा, आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। कैप्टन ने इसे पढ़ा और नाविक से कहा कि इस वाक्य को वो या तो बदल दे अथवा पूरी बात लिखने के लिए आगे कुछ और लिखे, क्योंकि जो लिखा गया था उसे जाहिर होता है कि कैप्टन हर रात शराब पीता था। नाविक ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ रजिस्टर में लिखा था वही सच है। दोनों बातें सही थी, लेकिन दोनों से जो संदेश मिलता है वो एकदम भटकाने वाला है और उसमें सच्चाई की झलक नहीं है। बढ़ा चढ़ाकर कहना। सच को बढ़ा चढ़ाकर कहने से दो बातें होती हैं। इससे हमारी बात का असर कम हो जाता है और हमारी विश्वसनीयता घटती है। ये एक लत की तरह है, ये एक आदत बन जाती है। कुछ लोग बात को बढ़ाए चढ़ाए बिना सच कह ही नहीं पाते। निष्कपट बने। बी सिंसियर। निष्कपट होना मन की एक भावना है। इसका सबूत देना मुश्किल है। मन में कोई कपट रखे बिना दूसरों की मदद करने की भावना हमें अपना लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है। दिखावे से दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम प्रटेंस। मुसीबत में पड़े किसी दोस्त से यह पूछना काफ़ी अखरता है कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, क्योंकि ऐसा मदद करने के मकसद से नहीं बल्कि दिखावे के लिए कहा जाता है। अगर हम सचमुच मदद करना चाहते हैं तो करने लायक कोई उचित काम सोचिए और कीजिए। बहुत से लोग अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए इंसानियत का नकाब लगा लेते हैं ताकि जब कभी उन्हें तकलीफ हो तो वे बदले में मनगढ़ंत कहानी बताते हुए सहायता मांग सकें। झूठी और बेकार की नाटकबाजी से दूर रहें। चेतावनी। निष्कपटता सही फैसले का मापदंड नहीं है। कोई ईमानदार होते हुए भी गलत हो सकता है। ईमानदारी बनाए रखें। मेंटेन इंटीग्रिटी। प्राचीन ज्ञान कहता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो बेची और खरीदी जाए वो तब तक मूल्यवान नहीं होती जब तक उसमें एक ना बिक सकने वाला अनमोल राज नहीं छिपा होता। वो खूबी क्या है? वो अनमोल खूबी जो हर उत्पाद में होती है वो है उसके बनाने वाले की विश्वसनीयता, ईमानदारी और उसकी प्रतिष्ठा। वैसे ये कोई राज नहीं है लेकिन अनमोल ज़रूर है। ईमानदारी का एक और पहलू है जिस पर सवाल लग सकता है। हियर इज अनदर साइड ऑफ इंटेग्रिटी, क्वेश्चनेबल। 3 अधिकारी इस बात पर झगड़ रहे थे कि खाने का बिल कौन देगा। एक ने कहा, मैं दूंगा क्योंकि मुझे टैक्स में छूट मिल सकती है। दूसरे ने कहा, मुझे देने दो क्योंकि मुझे कंपनी से मिल जाता है। तीसरे ने कहा,
पैसा मैं दूंगा क्योंकि अगले हफ्ते मैं दिवालिया होने की घोषणा करने जा रहा हूँ। 19वां कदम, विनम्र बने। स्टेप 19, प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी। विनम्रता के बिना आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। विनम्रता सारी खूबियों की बुनियाद है। ये आदमी की महानता को दर्शाती है। विनम्रता का अर्थ अपनी प्रतिष्ठा घटाकर कद को छोटा करना नहीं है। सच्ची विनम्रता लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन बनावटी विनम्रता दूसरों को हमसे परे धकेलती है। बहुत साल पहले एक घुड़सवार ने कुछ सैनिकों को देखा जो एक लकड़ी का गट्ठा उठाने की असफल कोशिश कर रहे थे। उस समय उनका नायक भी वहीं खड़ा था। घुड़सवार ने नायक से पूछा कि वो उनकी मदद क्यों नहीं करता। नायक ने जवाब दिया, मैं इनका नायक हूँ और मेरा काम इनको आदेश देना है। घुड़सवार अपने घोड़े से उतरकर उन सैनिकों के पास गया और उसने उस गट्ठे को उठाने में मदद की। उसकी मदद से वो गट्ठा उठा दिया गया। घुड़सवार चुपचाप अपने घोड़े पर सवार हो गया और उस नायक से बोला, अगली बार जब तुम्हारे आदमियों को सहायता की ज़रूरत पड़े तो तुम अपने कमांडर इन चीफ को बुलवा लेना। जब वो घुड़सवार चला गया तो नायक और सिपाहियों को पता चला कि वो घुड़सवार और कोई नहीं बल्कि जॉर्ज वाशिंगटन थे। संदेश बिल्कुल साफ है, सफलता और विनम्रता हाथ में हाथ डाले चलती है। जब दूसरे हमारी प्रशंसा करते हैं तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। ज़रा इसके बारे में सोचिए, सादगी और विनम्रता महानता की दो निशानियां हैं। 20वां कदम, दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाले बने। स्टेप 20, बी अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग। रिश्ते निभाने में हम सभी से गलतियां होती। कभी कभी हम दूसरों की ज़रूरतों के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं, खासकर उनके प्रति जो हमारे बहुत करीबी हैं। फिर इससे मायूसी और नाराज़गी पैदा होती है। मायूसी से बचने के लिए आपसी समझदारी ज़रूरी है। आपसी रिश्ते लोगों में पूर्णता होने की वजह से नहीं बनते, बल्कि वह आपसी समझदारी से बनते हैं। एक अच्छा इंसान बनने से ज़्यादा संतोष दूसरों का ख्याल रखने में मिलता है। इससे हमारी ख्याति अपने आप ही बढ़ जाती है, जो हमारे जीवन का सबसे बेहतर बीमा है और जिसके लिए कुछ खास खर्च नहीं करना पड़ता है। कुछ लोग समझदारी दिखाने और ख्याल रखने की कमी को पैसों से पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरों को समझना उन पर पैसे खर्च करने से ज़्यादा ज़रूरी है, और हम चाहते हैं कि दूसरे हमको समझें। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम भी दूसरों को समझें। किसी के साथ संवाद कायम करने के लिए उसे समझना ज़रूरी है। उदार बने। उदारता भावनात्मक परिपक्वता की पहचान है। उदार होने का मतलब है हम बिना किसी के कहे औरों का ख्याल रखें और उनके लिए सोचे विचारें। उदार लोगों की ज़िंदगी जैसे नियम तो ब्लेसिंग से भरी होती है। स्वार्थी लोग उसकी उम्मीद सपने में भी नहीं कर सकते जो उनको ब्लेसिंग्स मिलती है। दूसरों का ख्याल रखें क्योंकि स्वार्थी होने की कीमत चुकानी ही पड़ती है। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बने। व्यवहार कुशल बने, बी टैक्टफुल। किसी भी रिश्ते में व्यवहार कुशल का भी काफ़ी महत्व है। व्यवहार कुशल होने का मतलब है किसी व्यक्ति को नाराज़ किए बगैर अपनी बात कह देने की काबिलियत। दयालुता, काइंडनेस। पैसे से बहुत महंगा कुत्ता तो खरीदा जा सकता है, मगर वो पूंछ अपने प्यार और दयालुता की वजह से ही हिलाएगा, ये ज़रूरी नहीं। दया का भाव जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने में कब देर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। एक दोस्त के जीवित रहते उसके प्रति दयालुता दिखाना बेहतर है, बजाय इसके कि उसके मरने पर उसके कब्र पर फूल चढ़ाया जाए। दयालुता की भावना इंसान में अच्छी अनुभूति पैदा करती है, चाहे व्यक्ति इस भावना को किसी और के लिए दिखाए या दूसरे लोगों के प्रति दिखाए। मीठी बोली बोलने से जीव को कोई तकलीफ नहीं होती। 21वां कदम, हर रोज़ शिष्ट बनने का अभ्यास करें। स्टेप 21, प्रैक्टिस कर्टसी ऑन अ डेली बेसिस। शिष्टाचार का मतलब है दूसरों का ख्याल रखना। ये उन दरवाज़ों को भी खोल देता है जिनको खोलना मुश्किल है। एक तहजीब वाला मगर कम मेधावी इंसान जीवन में उस आदमी की तुलना में बहुत आगे बढ़ेगा जो मेधावी तो है लेकिन तहजीब वाला नहीं है। छोटी छोटी बातें अहमियत रखती हैं और बड़ा फ़र्क डालती हैं। क्या आपको कभी किसी हाथी ने काटा है? सीधा सा जवाब है, नहीं। क्या आपको कभी किसी मच्छर ने काटा है? हम में से बहुतों को।
छोटी छोटी परेशानियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। छोटे छोटे त्यागों का नाम ही शिष्टाचार है। इंसान को ये छोटे छोटे शिष्टाचार ही आगे ले जाते हैं, ना कि चालाकियाँ। शिष्टाचार हमारे नैतिक व्यवहार का भी हिस्सा है और उसी की एक शाखा है। इस पर खर्च ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इससे हासिल बहुत कुछ होता है। कोई भी इंसान इतना बड़ा या इतना व्यस्त नहीं होता कि अपने व्यवहार को शिष्ट ना बना पाए। शिष्टाचार का मतलब है किसी बुजुर्ग या अपंग को बैठने के लिए अपनी जगह दे देना। शिष्टाचार का मतलब है एक मुस्कान या धन्यवाद के रूप में जाहिर किया जा सकता है। इसमें लागत कम लगती है और लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे दूसरे व्यक्ति की नज़रों में आदमी की कीमत बढ़ जाती है। शिष्ट होने के लिए विनम्र होना ज़रूरी है। ये अफसोस की बात है कि लोग अपने अच्छे गुणों से भटक कर नीच बन जाते हैं। मैंने कई बार लोगों को गर्व से कहते हुए सुना है, तुम नहीं जानते मैं कितना नीचे जा सकता हूँ। जहाँ भी संभव हो शिष्टाचार के बीज अवश्य बिखेरें। इनमें से कुछ ज़रूर जड़ पकड़ लेंगे और आपको अपनी और दूसरों की नज़रों में ऊँचा उठाएंगे। व्यवहार, मैनर्स। शिष्टाचार और व्यवहार साथ साथ चलते हैं। घर में शिष्ट व्यवहार करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाहर वालों के साथ। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने में गर्मजोशी और अपनेपन की भावना बढ़ती है। शिष्टाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार करना। रूखा व्यवहार करने के बजाय यदि हम शिष्ट व्यवहार करें तो इससे आत्मसंतुष्टि मिलने के साथ ही और भी कई फायदे होते हैं। मुझे हैरानी है कि ज़्यादातर लोग शिष्ट व्यवहार क्यों नहीं करते। रूखे और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोग ऐसा व्यवहार करने वालों से दूर रहना चाहते हैं और ऐसे लोग आखिरकार नापसंद किए जाते हैं। बच्चों को बचपन से ही शिष्ट व्यवहार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनका विकास हो सके और वे बड़े होकर परिपक्व एवं दूसरों का ख्याल रखने वाले बन सकें। एक बार शिष्ट व्यवहार सीख लेने पर ये उम्र भर हमारे साथ रहती है। ये दूसरों का ख्याल रखने और संवेदनशील होने के नज़रिए को दर्शाता है। ऐसी बातें बहुत छोटी और साधारण लगती हैं, लेकिन मेहरबानी करके शुक्रिया और मुझे माफ़ कर दीजिए जैसे छोटे छोटे जुमलों का इस्तेमाल करके इंसान काफ़ी लंबा रास्ता तय कर सकता है। याद रखें, शिष्ट व्यवहार के बदले में शिष्ट व्यवहार ही मिलता है। उसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा और जितनी बार हो सके उतनी बार करें। शुरुआत में इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर बाद में आपको उसका लाभ मिलेगा। एक अच्छे इंसान की पहचान है और शिष्टाचार विनम्रता का दूसरा नाम है, जिसमें थोड़ी सी लागत लगाने से किसी अकेले इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे संगठन को फ़ायदा मिलता है। आपने देखा होगा, जब कोई चुटकुला सुना रहा होता है तो कोई दूसरा आदमी बीच में कूद कर चुटकुले के आखिरी लाइन सुनाकर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, और जब सब लोग हंस पड़ते हैं तब वो ये बताता है कि उसने ये चुटकुला कहाँ पढ़ा। इससे उस आदमी की बेहतर जानकारी भले जाहिर हो, मगर ये एक घटिया व्यवहार है। शिष्टाचार अच्छी परवरिश की पहचान है। कर्टसी शोज गुड अपब्रिंगिंग। बहुत से प्रखर और प्रतिभाशाली लोग सफलता इसलिए नहीं पा सके हैं क्योंकि उनमें शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार की कमी थी। विनम्रता और शिष्टाचार सभ्य होने की निशानी है। असभ्यता और बदतमीजी सभ्यता की कमी को दर्शाते हैं। दूसरे लोगों के प्रति सम्मान और शिष्टता का बर्ताव करें। कठोरता एक कमज़ोर आदमी की झूठी ताकत है। एरिक हॉफर के वर्ड हैं ये। 22वां कदम, हंसाने की आदत डालें और खुश मिजाज बने। स्टेप 22, डेवलप ए सेंस ऑफ ह्यूमर। कुछ लोग खुश मिजाजी किस्म के होते हैं। आप भी हंसने हंसाने की आदत डालिए, इससे आप में अपनी कमियों पर भी हंसने की ताकत आ जाएगी। हंसने हंसाने की आदत इंसान को हर दिल अजीज और आकर्षक बना देती है। अपने पर हंसना सीखें क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महफूज मजाक है। खुद पर हंसने से हमको गिरकर उठने की शक्ति मिलती है। सारी दुनिया में हंसी हर दर्द की कुदरती दवा है। हंसी मर्ज को मिटा भले न सके, लेकिन उसके दर्द को कम जरूर कर देती है। हंसने हंसाने में स्वस्थ करने की शक्ति है। द हीलिंग पावर ऑफ ह्यूमर। एनाटमी ऑफ एलनेस के लेखक डॉक्टर नॉर्मन कजिन इस बात की जीती जागती मिसाल है कि इंसान अपनी लाइलाज बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। उनके बचने की आशा ना के बराबर थी, लेकिन कजिन ये साबित करना चाहते थे कि अगर मन की शक्ति चीज़ों पर असर डालती है तो वो इसे साबित करके दिखाएंगे।
उन्होंने सोचा कि अगर बुरे ख्याल शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन पैदा करते हैं तो इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। अच्छे भाव जैसे खुश मिजाजी और हंसना शरीर में फ़ायदे पहुंचाने वाले केमिकलों को बाहर निकालेंगे। वे अस्पताल छोड़कर होटल के एक कमरे में चले गए और वहां उन्होंने बहुत सारी हंसी मजाक वाली फिल्में देखनी शुरू कर दी। इस तरह उन्होंने खुद को हंसते हंसते ही ठीक कर लिया। बेशक दवाइयां ज़रूरी हैं मगर मरीज की जीने की इच्छा शक्ति अगर ज़्यादा नहीं तो उतनी ही ज़रूरी है। एक फनी बोन जीवन रक्षक भी हो सकता है और साथ ही जीवन की मुश्किलों का सामना करना थोड़ा आसान कर देता है। 23वां कदम, दूसरों का मजाक ना उड़ाएं और ना ही उन्हें नीचा दिखाएं। स्टेप 23, डोंट बी सरकास्टिक एंड पुट अदर्स डाउन। घटिया किस्म के हंसी मजाक में ताने कसने, दूसरों को नीचा दिखाना और दूसरों को तकलीफ पहुँचाने वाली बातें शामिल होती हैं। जिस मजाक में दूसरों पर जुमले कसे जाते हैं या ताने दिए जाते हैं वो घटिया किस्म का होता है। किसी को चोट पहुंचाने वाले को माफ़ करना अपमान करने वाले को माफ़ करने से ज़्यादा आसान होता है। जब किसी को शर्मिंदा होना पड़े, जब कोई दिल में दुख लेकर जाए, जब किसी महान चीज़ को छोटा बना दिया जाए, जब किसी की कमज़ोरी हंसी का कारण बने, जब किसी चीज़ को मज़ेदार बनाने के लिए बेअदबी की ज़रूरत पड़े, जब एक बच्चे को रुला दिया जाए और जब हर कोई हंसी में शामिल ना हो सके, तब वो एक घटिया जोक होता है। ये शब्द हैं क्लिफ थॉमस के। दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर मज़ा हासिल करने वाले इंसान को हर चीज़ तब तक मजाक लगती है जब तक वो दूसरों पर बीतती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मज़ा लेने के लिए लड़के मेंढकों को पत्थर मारते हैं। लड़कों का मज़ा मेंढकों की मौत बन जाता है। ये मेंढकों के लिए मज़े की बात नहीं है। हंसी का उपयोगी या खतरनाक होना इस बात पर निर्भर होता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ हंस रहे हैं या उस पर हंस रहे हैं। जब हंसी का मकसद दूसरों का मजाक या हंसी उड़ाना हो जाए तब वो ना तो मासूम होती है ना ही अच्छा प्रभाव डालती है। दूसरों की भावना को चोट पहुंचाना क्रूरता की निशानी है। कुछ लोगों को दूसरों को नीचा दिखाने में मज़ा आता है। ताने देने की आदत लोगों को हमसे दूर करती है। दूसरों को तकलीफ पहुंचने के खतरे से बचने के लिए कटाक्ष भरे मजाकों से बचें। 24वां कदम, दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। स्टेप 24, टू हैव अ फ्रेंड बी अ फ्रेंड। हम हमेशा अच्छे मालिक, कर्मचारी, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे चाहते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। तजर्बा यही बताता है कि कोई इंसान पूरा नहीं होता। कोई नौकरी हर लिहाज से अच्छी नहीं होती। कोई जीवन साथी सभी गुणों से भरपूर नहीं होता। जब हम पूर्णता की तलाश करते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि तब हमारे हाथ एक तरह की परेशानी के बदले दूसरे तरह की परेशानी लगती है। पश्चिम में 20 साल तक रहने के बाद मैंने पाया कि वहाँ तलाक की दर बहुत ऊँची है, और जब लोग दूसरी शादी करते हैं तो पाते हैं कि उनके नए जीवन साथी में पहले जीवन साथी वाली कमियां तो शायद ना हो, लेकिन दूसरे तरह की बहुत सी कमियां होती हैं। इसी तरह लोग नौकरियां बदलते रहते हैं या कर्मचारियों को नौकरी से ये सोचकर निकालते हैं कि बदले में बेहतरी मिलेगी, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एक कमी से छुटकारा पाया तो दूसरी गले पड़ गई। चलिए इन चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करें। तलाक और नौकरी से निकालने जैसे कदमों को पहल ना देकर बल्कि आखिरी सहारा बनाएं। त्याग, सैक्रिफाइस। दोस्ती त्याग मांगती है और इम्तिहान लेती है। दोस्ती और रिश्ते बनाए रखने के लिए त्याग, निष्ठा और समझदारी की ज़रूरत पड़ती है। त्याग बस यूं ही की जाने वाली चीज़ नहीं है, इसके लिए अपनी आसानियां कुर्बान करनी पड़ती है। स्वार्थ की भावना दोस्ती को तोड़ देती है। हल्के फुल्के रिश्ते तो आसानी से बन जाते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती बनाने और कायम रखने के लिए समय और प्रयास की ज़रूरत होती है। दोस्ती इम्तिहान की घड़ियों से गुजरकर ही मजबूत बनती है। हमें झूठे रिश्तों को पहचानना सीखना चाहिए। सच्चे दोस्त कभी अपने दोस्तों का नुकसान नहीं चाहते। सच्ची दोस्ती जितना लेती है उससे ज़्यादा देती है और परेशानियों में भी मजबूती से टिकी रहती है। सुख के साथी, फेयर वेदर फ्रेंड। एक सुख का साथी उस बैंकर की तरह होता है जो आसमान साफ होने पर तो
छाता उधार देता है लेकिन बारिश होते ही उसे वापस ले लेता है। दो लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे तभी उन्हें एक भालू मिला। उनमें से एक तो छटपट पेड़ पर चढ़ गया लेकिन दूसरा ऐसा ना कर सका, इसलिए वो जमीन पर मुर्दे की तरह लेट गया। भालू ने उसके कान के पास अच्छी तरह सूंघकर चला गया। पहले आदमी ने पेड़ से उतरकर दूसरे से पूछा, भालू ने तुमसे क्या कहा? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, उसने कहा कि ऐसे दोस्त का विश्वास मत करो जो खतरा आने पर उसे भुगतने के लिए तुम्हें अकेला छोड़ दे। कहानी का संदेश दिन के उजाले की तरह साफ है, आपसी विश्वास और भरोसा हर दोस्ती की बुनियाद है। लोग अलग अलग कारणों से दोस्ती करते हैं। पीपल मेक फ्रेंड्स फॉर डिफरेंट मोटिव्स। दोस्ती कई तरह की होती है। पहला, सुख के साथी। ऐसे लोग तभी तक दोस्त रहते हैं जब तक दोस्ती में खुशी और मज़ा है। खुशी जाती है तो ऐसे दोस्त भी चले जाते हैं। दूसरा, सुविधा की दोस्ती। ऐसी दोस्ती कुछ हासिल करने के लिए की जाती है और टिकाऊ नहीं होती। ये तीन तरह की होती है। इसके अंदर जो पहला टाइप है वो है नज़दीकी। इस तरह की दोस्ती का नमूना पड़ोसी से की जाने वाली दोस्ती है। उसके साथ रिश्ते बनाना सुविधाजनक होता है। हम दोनों साथ साथ हंसते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ों को बांटते हैं। इमरजेंसी की हालत में मदद पाने के लिए बगल में उसी का दरवाज़ा होता है हमारे पास। उसके साथ रिश्ते बनाए रखना आसान भी होता है लेकिन नज़दीकी ख़त्म होने पर ऐसी दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, फ़ायदा। ऐसी दोस्ती मतलब के लिए होती है। उसकी पहुंच ऊपर तक है। वो पैसे वाला है, साधन संपन्न है, वो डॉक्टर है, वकील है। उससे रिश्ते बनाना किसी दिन फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह की दोस्ती ऐसे नज़रिए से की जाती है। इस तरह के रिश्तों की उपयोगिता ख़त्म होने पर दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। तीसरा, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। ये दोस्ती तब तक बरकरार रहती है जब तक दोनों का दुश्मन एक है, लेकिन उस दुश्मन के जाने पर वो दोस्ती भी चली जाती है। इसके बाद जैसे कि हमने पहली बात कर ली सुख के साथी, दूसरा सुविधा की दोस्ती, और तीसरा है सच्ची दोस्ती। यह एक दूसरे की इज्जत पर आधारित है। सच्चे दोस्त वे लोग होते हैं जिनके मन में एक दूसरे के लिए भलाई होती है और वे उसी हिसाब से काम करते हैं। इसका आधार चरित्र और वचनबद्धता होती है। इस तरह की दोस्ती में दोनों तरफ से अच्छाई हमेशा बनी रहती है। ऐसी दोस्ती हमेशा बनी रहती है। खुशहाली में दोस्त बनते हैं लेकिन मुश्किलें उनके असली रूप को दिखाती हैं। सच्ची दोस्ती में मदद करना एक दूसरे पर एहसान नहीं होता, ये दोस्ती की सहज अभिव्यक्ति होती है। इसका मकसद नहीं होता कोई। अगर एक दूसरे से मदद हासिल करना दोस्ती का मकसद बन जाए तो मकसद ख़त्म होने पर दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। रिश्ते अपने आप नहीं बन जाते, उन्हें बनाने में समय लगता है। रिश्ते ईर्ष्या, स्वार्थ, अहंकार और रूखे व्यवहार की वजह से नहीं बल्कि दयालुता, आपसी समझ और आत्मत्याग के आधार पर बनते हैं। रिश्तों को महत्व देकर उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और एक बार रिश्ते बन जाएं तो उन्हें पौधे की तरह सींचना चाहिए। कोई भी पूर्ण नहीं होता। संपूर्णता की तलाश करने में निराशा ही हाथ लगती है। दोस्ताना सहयोग, फ्रेंडली कोऑपरेशन। बिना दोस्ताना सहयोग के सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। एक खुश मिजाज शख्सियत संतुलन को बनाए रखते हुए खुले दिमाग वाली और हालात के अनुसार ढलने वाली होती है। खुले दिमाग का मतलब ढीला ढाला या असहाय व्यवहार नहीं होता। इसका मतलब किन्हीं हालत में नाप तौल कर सही समय पर जिम्मेदारी के साथ सही कदम उठाना होता है। खुले दिमाग का मतलब सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता करना भी नहीं होता। 25वां कदम, दूसरों की भावना को महसूस करें। स्टेप 25, शो एम्पथी। दूसरों से किए गए और अपने साथ किए गए नाजायज़ व्यवहार को हम अलग अलग तराजू पर तोलते हैं। किसी अच्छी शख्सियत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण होता है दूसरों की अनुभूतियों को समझना। जिनमें ये गुण होता है वे खुद से ये सवाल पूछते हैं, मुझे तब कैसा महसूस होता जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। एक पिल्ला, ए पपी। एक बच्चा पालतू जानवरों की दुकान में एक पिल्ला खरीदने गया। वहाँ चार पिल्ले साथ बैठे थे।
जिनमें से हर एक की कीमत $50 थी। एक पिल्ला अकेले कोने में बैठा हुआ था। उस बच्चे ने जानना चाहा कि क्या वो उन्हीं बिकाऊ पिल्लों में से एक था और वो अकेला क्यों बैठा था। दुकानदार ने जवाब दिया कि वो उन्हीं में से एक है मगर अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। बच्चे ने पूछा, उसमें क्या कमी है। दुकानदार ने बताया, जन्म से ही इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल ख़राब है और उसके पूंछ के पास के अंगों में भी खराबी है। बच्चे ने पूछा, आप इसके साथ क्या करेंगे। तो उसका जवाब था कि इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि क्या वो इस पिल्ले के साथ खेल सकता है। दुकानदार ने कहा, क्यों नहीं। बच्चे ने पिल्ले को उठाया और पिल्ला उसके कान को चाटने लगा। बच्चे ने उसी समय फैसला किया कि वो उसी पिल्ले को खरीदेगा। दुकानदार ने कहा, ये बिकाऊ नहीं है, मगर बच्चा जिद करने लगा। इस पर दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को $2 दिए और बाकी के $48 लेने अपनी माँ के पास दौड़ा। अभी वो दरवाजे तक ही नहीं पहुँचा था कि दुकानदार ने ज़ोर से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस पिल्ले के लिए इतने डॉलर क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि तुम इतने ही डॉलर में एक अच्छा पिल्ला खरीद सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बाएं पैर से पैंट उठाई, उस पाँव में उसने ब्रेस पहन रखी थी। दुकानदार ने कहा, मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हो। इसी को दूसरों की भावनाएं समझना कहते हैं। हमदर्द बने, बी सिंपथेटिक। जब आप दुख बांटते हैं तो ये कम हो जाता है, जब आप सुख बांटते हैं तो ये बढ़ जाता है। सहानुभूति और समानुभूति में क्या अंतर है? वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपथी एंड एम्पथी। सहानुभूति का मतलब है, मैं समझता हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। समानुभूति का मतलब है, तुम्हें जो महसूस होता है वो मुझे भी महसूस होता है। ये दोनों ही मन की ज़रूरी भावनाएं हैं, लेकिन इन दोनों में से दूसरों के भावों को महसूस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समानुभूति ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने ग्राहकों, मालिकों, कर्मचारियों और परिवार के लोगों के मनोभावों को खुद भी महसूस करते हैं तो हमारे रिश्ते कैसे हो जाते हैं, वह और अच्छे हो जाते हैं। इससे आपसी समझ बूझ, निष्ठा, मन की शांति, उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है। आप किसी व्यक्ति, समाज या देश के चरित्र की पहचान कैसे करते हैं? ये बहुत आसान है। सिर्फ ये देखिए कि व्यक्ति या समाज इन तीन तरह के लोगों से किस तरह पेश आता है, अपाहिज, बुजुर्ग, अपने मातहत या जूनियर। सिर्फ इन तीन तरह के लोगों से ही क्यों? क्योंकि ये लोग अपने अधिकारों के लिए बराबरी में खड़े नहीं हो पाते। एक अच्छा इंसान बने, बी अ बेटर पर्सन। प्रतिज्ञा करें कि आप छोटों के साथ नरमी से, बड़ों के साथ करुणा से, संघर्ष करने वालों के साथ हमदर्दी से और कमज़ोर व गलती करने वालों के साथ सहनशीलता से पेश आने की। क्योंकि हम अपने जीवन में कभी ना कभी इनमें से किसी न किसी स्थिति से गुजरते हैं। ये शब्द हैं लॉयड शियरर के। कार्य योजना, एक्शन प्लान। पहला, अपने कामों की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए वचनबद्ध हूँ। दूसरा, इनमें से हर श्रेणी में कम से कम एक ऐसे क्षेत्र का उल्लेख करें जिसमें आप पहले से बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। पहला घर, दूसरा दफ्तर, तीसरा सामाजिक जीवन। का तीसरा पॉइंट है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप कौन से तीन कामों के लिए वचनबद्ध होंगे जो इस अध्याय में लिखे हुए हैं, उनमें से। आगे अपनी वचनबद्धता को लिखें और अगले 21 दिन तक रोज पढ़ें। ये था जीत आपकी किताब का 8th चैप्टर, जिसका नाम था अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। इसके 25 तरीके पूरे बता दिए गए हैं और इसकी कार्य योजना भी बता दी गई है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगता है और मेरी आवाज़ में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर की जानी चाहिए, क्योंकि आपने अच्छी दोस्ती निभानी है ना। तो यहाँ तक सुनने के लिए बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया।